देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से काफ़ी लंबे समय से एक क्रिकेट खिलाड़ियों की, खेल प्रेमियों की एक लंबे समय से इच्छा थी कि राजस्थान अपना खुद का एक प्रीमियर लीग चालू करे। और मुझे खुशी है कि आज इस दिवस पर हम सब आप लोगों की मौजूदगी के सामने हम लोगों ने इसका आगाज़ किया है। मैं BCCI को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें काइंड इनफ कि उन्होंने हमको एक परमिशन दी अपनी खुद की स्टेट लीग चालू करने की, और साथ ही तमाम हमारे RCA की कार्यकारिणी का, तमाम हमारे जिला संघों के सचिवों का जिन्होंने हम पे ये विश्वास रखा और सब ने मिल के, और RPL के जो चेयरमैन है हमारे श्री रामपाल शर्मा जी का, RPL कमेटी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लगातार मैराथन मीटिंगें करके लगातार कई पॉइंट्स के ऊपर अपना वैल्यूबल सजेशंस दिए, और सारे निर्णय RPL कमेटी ने जिस तरीके से किए हैं मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम RPL का फर्स्ट सीज़न सक्सेसफुल तरीके से पूरा करके दिखाएंगे। IPL आज की तारीख में एक बड़ा ब्रांड हो गया, IPL की बात करते हैं, क्या हम कभी कंपेयर कर पाएंगे IPL की तरह, हम भी RPL को एक स्तर पर लेकर जाएं? देखिए, IPL का अपना एक लेवल है, BCCI का एक अपना लेवल है, और स्टेट एसोसिएशन जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि स्टेट एसोसिएशन अपना पहली बार लीग चालू करने जा रहा है, और मेरा मानना है कि ये लीग एक सक्सेसफुल लीग होगी। हमारी इच्छा है कि हम लोग, जैसा कि मैंने मेरे एड्रेस में भी बोला था कि मेरी इच्छा थी कि हम लोग राजस्थान के उन खिलाड़ियों को, उन जिलों के खिलाड़ियों का जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, और जिस जो किसी कारणवश मान लीजिए उस फर्स्ट थ्री कैटेगरी में नहीं आ पाए मगर उनमें भी टैलेंट है, तो हम उनको भी मौका दें। इसलिए मैंने बात RPL कमेटी के सामने रखी, और मुझे खुशी है कि RPL कमेटी ने मेरे सजेशन को स्वीकार किया कि हम तमाम ज़िलों में RPL के लिए ट्रायल्स रखेंगे, और तमाम ज़िलों को 3 खिलाड़ी के चयन के लिए हम बोलेंगे कि आप अपने स्पेसिफिकली RPL का ट्रायल करें अपने अपने ज़िलों में, और वहाँ से हमें 3 खिलाड़ियों के नाम अपने ज़िले से भेजें ताकि हम जो कैटेगरी और जो पूल है खिलाड़ियों का उसको हम उनमें उन खिलाड़ियों का समावेश कर सकें ताकि उनको भी मौका मिले, और एक RPL का एक पूरा तरीके से हम ट्रायल ही तमाम ज़िलों से कहेंगे कि नए तरीके से किया जाए। सर, किस तरह स्टार्ट स्कूल देखिए, जो कैटेगरीज बनी है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने रणजी खेला है, जिन्होंने IPL खेला है राजस्थान से, और इस तरीके से जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनके प्लेयर्स हैं, और इस तरीके से एक पूरा पूल बन के जो प्लेयर्स का ऑक्शन होगा उसमें इस पूल को सामने रखा जाएगा। आप जो है काफ़ी इनिशिएटिव, देखिए अभी BCCI के नॉर्म्स के तहत हम 2 ही जगह इस लीग को करा सकते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल MOU हुआ बरकतुल्ला खान स्टेडियम का, और वहाँ पे रणजी मैच भी हो चुके हैं, तो जोधपुर से आगाज़ होके इसका एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी करके हम लोग जोधपुर में शुरुआती मैचेस करके, और फाइनल का ग्रैंड समापन हम प्रदेश की राजधानी जयपुर में भव्य करके SMS स्टेडियम के अंदर एक भव्य रूप से करें। IPL के दौरान आपने जिक्र किया था